देखिए, न्यूज एजेंसी और टीवी चैनलों ने अपने अपने अनुमानों का आंकड़ा एग्जिट पोल के माध्यम से पेश किया है और सभी में मोदी सरकार की वापसी बताई जा रही है। एग्जिट पोल पर जनता को क्या लगता है, कितना भरोसा है और क्या है उनका आंकलन, रांची से जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी दीपक ने। लोकतंत्र के सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है और एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसी सब मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अभी जो एग्जिट पोल जारी किया गया है, तमाम चैनलों में आप देख रहे होंगे कि बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा, गवर्नमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा, उस एग्जिट पोल को किस तरीका से आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो हमेशा से आता रहा है और एग्जिट पोल का पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते हैं। जहां तक आप देखिए, पिछला जो जो विधानसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसका भी एग्जिट पोल आया था जिसमें कि जो है आपका जो है कांग्रेस को जो है वहां पे बढ़त दिखाया हुआ था, लेकिन एग्जिट पोल माने जो जब रिजल्ट आया तो उसका परिणाम कुछ दूसरा था। आप देखिए, चंद लोगों को लेके जो एग्जिट पोल की जाते हैं उससे आप पूरे लोकसभा क्षेत्र का आकलन नहीं कर सकते। आपको गांव में जाना होगा और गांव के लोगों से पूछना होगा। शहर में नो डाउट कि बीजेपी की थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, लेकिन आप गांव के क्षेत्र में जाइए जहां मैक्सिमम वोटर्स रहते हैं तो आपको स्थिति का सच्चाई का आपको मैंने पता चलेगा। आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल सामने आया? सर, ऐसा है, जन भावनाओं का ज्वार जो पिछले दो महीने से उमड़ रहा था, ये एग्जिट पोल उसी को प्रतिबिंबित करता है। प्लस माइनस 10%, चूंकि ये एग्जिट पोल अनुमान ही है, लोगों के बयान पे आधारित है, तो ये रिजल्ट तो कतई नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि 10% प्लस या माइनस कर दीजिए, रिजल्ट वही होने वाला है। सरकार तो मोदी जी बना ही रहे हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, सबको पता है कि सरकार मोदी जी की आने वाली है और ये लोग मान के भी चल रहे हैं, जनता भी यही मान रही है, तो इसमें कोई शक को सुबह है ही नहीं। झारखंड में क्या लगता है, 14 लोकसभा सीट में कितना सीट जो है बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा? धरती पर लड़ाई चल रही है और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें कोई समानता नहीं है। धरती पर वोट पब्लिक सरकार को बदलाव के लिए कर रही है, लेकिन मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि सरकार फिर से आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चुनाव का रिजल्ट आएगा, जिसकी सरकार बनेगी उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसको देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है राजनीतिक रूप से मुझे नहीं पता है, लेकिन धरती पर इस बार जो चुनाव हुआ है, कई मुद्दे थे, बेरोजगारी के, महंगाई के, कई चीजें थी, लोग इतहाइमाम थे, सिर्फ एक पक्ष को। अब कैसे होता है एग्जिट पोल, हम लोग उसका सैंपल साइज और कहां करते हैं वो लोग, आज तक मुझे नहीं मिले, आज तक कोई मुझसे नहीं मिला, ना मैंने कभी देखा कि किसी भीड़ में किसी ने एग्जिट पोल किया है। लेकिन टीवी वाले कैसे एग्जिट पोल करते हैं हमको नहीं पता। धरती पे हम लोग जब देखते हैं, शहर की राजनीति अलग होती है, गांव की राजनीति अलग होती है। गांव में लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे थे, शहर में मिक्सअप था, लेकिन असली आबादी जो होती है वोट करती है वो गांव की करती है। शहर में तो वोट ही कितना होता है, घर से जिनके 5 मेंबर हैं 3 आते हैं, उसमें से भी कभी कभी होता है कि वो 6 भी नहीं आते हैं, लेकिन वोट का प्रतिशत होता है जो, और जो मतदान एक्चुअल जो है गांव से होता है, आधी आबादी से ज्यादा 75 से 80% आबादी गांव की है, लोगों ने वहां बदलाव के लिए वोट किया है। इसलिए मुझे इंतजार करना चाहिए कि एग्जिट पोल क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन उन पर मीडिया पर भी एक पिछले कई वर्षों से प्रश्न चिन्ह पर उनकी उंगली उठती रही है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 4 तारीख के निर्णय में और इसमें फर्क आता है तो निश्चित तौर पर मीडिया को भी निरुत्तर होना पड़ेगा। कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो था, 5 न्याय 25 गारंटी और बीजेपी फैक्टर, क्या लगता है बीजेपी फैक्टर जो है वो हावी हो गया है कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी पर? कल के डेट में यही जो विपक्ष बोल रहे हैं, कल इनका एग्जिट पोल 500 दिखा देता तो यही बोलते मीडिया बहुत बढ़िया है, मीडिया बहुत बढ़िया है। आज एग्जिट पोल इनका कम हो रहा है तो मीडिया खराब है, वो आ रहे दुनिया, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि मैं आपको गारंटी बताता हूं, मैं फाइनेंस सेक्टर से हूं, आज वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया 5वां स्थान में है और वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 बनेगा ही 5 साल के अंदर, इसको कोई धरती का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और किसी भी देश में आपका परिवार और घर परिवार इकोनॉमी अच्छा होगा तो देश अपने आप अच्छा होगा। और बाकी रही बात की बेरोजगारी, ये हो सर, आप काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी हर जगह रहेगा। अपने सहयोगी मानस के साथ में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।